ये क्या है, इतना जल्दी हफ्ता हो गया? टीवी के एडों के माफी फटाफट हफ्ते खत्म हो जा रहे। सही में भाई। आदाब, हफ्ता दे रहे हफ्ता। होनी नहीं हुई भाई, बैल भुक्का है, जंगल सुक्का है भाई। तुम लोग कई को रेस हो रहे, उन्हें बोला ना भोनी नहीं हुई बोल के तो भो नहीं कर देंगे। किसी के पास पैसे है? हाँ भाई मेरे पास है, खाली एक रुपया दे। ए ले चॉकलेट दे, अब हो गई भौनी। हफ्ता दे, हफ्ता दे रे, खाली खाने बनाने से काम नहीं चलेगा। बिल्ला वो बला है, भैंस से तो क्या फुलगे से भी दूध निकाल लेता है। पैसे की बात करा तो तू मेरे से भौनी की बात कर रहा रे, तेरे को तो जिंदा ही बॉडी बॉडी कर दूंगा रे। सुन, तू इस लाचार आदमी को मार के अपने आप को बड़ा हीरो समझ रहा, मगर तेरे को मालूम नहीं तू एक विलन है, और तुझे मारने के वास्ते एक हीरो बहुत जल्द तेरे सामने आएगा। अच्छा सही में अगर तेरे पास हीरो है तो इतने इनसे कहाँ था रे? सो रहा था। अरे कैसा बेफिकर सो रहा यार, उठो जल्दी उठो। क्या? हाँ, जब शेर नील से जागता है ना। क्या हुआ रे मुनीर? अरे भाई वो बिरला मार्केट में लोगों की नींद हराम कर रहा और यहाँ तुम आराम की नहीं सो रहे। अच्छा तो बुला अपने शेर को। अरे अगर वो शेर आ गया ना, तुम लोग गीदड़ों की तरह दुम दबा के भागेंगे। अरे इसकी तेरे पास तो दुम भी नहीं है। जब से देख रहा हूँ बक बक करते जा रहा, मैं भी देखता हूँ तेरे को कौन सा शेर बचाने आता। लग रहा है ये वही शेर है। हाँ। तो तू है वो शेर? हाँ मैं शेर नहीं शमशेर हूँ, इन गरीबों का कोई नूर हूँ, और तेरे लिए बुलडोजर हूँ। चुपचाप यहाँ से निकल जा वरना बाद में निकल नहीं पाएगा। साले मेरे को धमकी दे रहा। मेरे को धमकी दे रहा तू? मुझसे टकराने वाले तू सुन ले जरा, मैं तुझे चूर चूर कर दूंगा। मुझसे तू दूर रहे वरना तुझे इस दुनिया से दूर दूर कर दूंगा। तेरे तो चल एक पर तो मार दिया। ए बिल्ला चल मैं तेरे को माफ कर। और सुन, इन गरीबों के वास्ते मार क्या, मरने के लिए भी तैयार हूँ, क्योंकि इन गरीबों के वास्ते मैं मसीहा हूँ। मसीहा तो मर। भाई औरत के गले में सोने की चैन दिख रही, देख। ए बिरला काबू में रख अपने तेवर, क्योंकि मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। क्या बेशरम है तू, कहीं को तो भी आ रहा मेरे मारा खाने। साले पतंग कन खा जैसा कन खा रहा रे, इधर कहीं गुजर रहा। देखा, यही होगा हर एक का अंजाम जो बिरला से पंगा लिया। तो चलो रे। चलो जा रहा गेंडा। भाई भाई, अरे भले आदमी को बेहोश कर दिया, अच्छाई का तो जमाने नहीं रहा। ये शेर को मैं दवाखाने को लेके जाता हूँ, तुम लोग जाओ जाओ जाओ, दुआ करो जाओ।
भाई की क्या हालत होगी कि क्या नहीं की। भाई भाई जल्दी उठो, सब लोग चले गए, पतली गली से भाग जाएंगे। चलो चले गए क्या रे? क्या मारा रे हरामखोर? भाई जल्दी उठो, मैं तो गेंडा आया तो फिर परेशान करता। भागो जल्दी भागो। अरे बाप रे बाप, चल अरे उठो भाई जल्दी। क्या मारा रे पिंडे की मेरी हड्डी पस गया, ये कर दिया। बर्दाश्त करना पड़ता भाई, अब के बार मिला ना दो पर ज्यादा मारना। तेरा क्या जा रहा है, मार तो मेरे को खाना है। एक काम करेंगे, क्या सीधा पर्स मारेंगे। इतना बिल्डअप कहीं को दे रहे हैं? अबे थाली के बैगन, अगर सीधा पर्स मारे ना तो पकड़े गए ना, हड्डी फसलिस नहीं रहती रे। अगर ऐसा मारे ना तो पैसे का पैसा और हीरो का हीरो रहते, और कोई भी यकनिश नहीं करेगा। समझा? बस दो तीन मारा सह लेना। प्लान तो अच्छा है भाई, लोगों के जूते खाने से तो अच्छा बिरला के तो झपड़ खा लेना। ये लो 2450 रुपये, ये और एक सोने की चेन। अब बोलो, अब बिरयानी खाते या पाया खाते? दवाया खाते, बहुत दर्द हो रहा है। भाई काय को तो भी ऐसा फिर रहे, सीधा गए तो चामिनार तक पहुंच जाते। आज पहली बार किसी ने बिरला के खिलाफ आवाज उठाई है। आपने तो उसकी आवाज उसी वक्त दबा दी ना भाई, फिर टेंशन काय को तो भी ले रहे। आवाज जितनी दबाओगे गूंज उतनी ही ज्यादा उठेगी। मतलब? मतलब आज एक आवाज उठाया है, कल 10 उठाया तो 10 को भी दबाएंगे भाई। अगर 100 उठाया तो? सही बात है भाई, अपना धंधा तो चौपट हो जाएगा, फिर क्या करेंगे? वही तो सोच रहा हूँ। सोचो भाई सोचो, अच्छा सोचो। चार मीनार से बार कस गए तक फुर्सत। आइडिया, एक काम करेंगे। क्या भाई? जो भी हमारे खिलाफ आवाज उठाएगा उसे उसी वक्त खत्म कर देंगे। हाँ भाई सही बोला है, तब ना उठेंगी उसकी आवाज, ना गूंजेंगी उसकी गूंज। के वास्ते तो अगले हफ्ते तक रुकना पड़ेगा ना भाई। क्या रे साले, सरकारी नौकरी कर रहे क्या? कल ही जाएंगे और उसे खत्म कर देंगे। ये लो पेन किलर। ऐसा कितने दिन चलेगा? जब तक है जान। ऐसा? अरे शेरू क्या हुआ रे, गोलियां कहीं को खा रहा? तबीयत तो ठीक है ना बेटा? अरे कुछ भी नहीं हुआ अम्मा, ठीक हूँ मैं। वो क्या है कि अम्मा? अरे चुप, खामा का अम्मा को कहीं परेशान कर रहा रे। अम्मा कुछ भी नहीं हुआ, नींद नहीं आ रही थी, नींद की गोली खा रहा हूँ। हाँ हाँ सही बोल रहे हैं अम्मा। अरे शेरू मेरी बात मान ले बेटा, कब तक ये गोलियां खा खा के सोते रहेगा? अब तू ना शादी कर ले। शादी नहीं। शेरू मेरी बात मान ले बेटा, तू अगर शादी कर लेगा ना तो फिर मैं आराम से दुनिया से रुखसत हो सकती। अरे चुप करो अम्मा, काई को ऐसा मनुष्य बात कर रही? शादी ना कर तू, बस एक बार बड़ा हाथ मारने दे। हाँ? बड़ा हाथ मतलब? बड़ा हाथ मतलब बड़े घर की लड़की देखो। पर रहे अम्मा हौला हो गया क्या? बड़े घर की लड़की? अरे बड़े घर की लड़की अपने घर को कई को आएंगी रे? कई को नहीं आती, जरूर आती। अगर नहीं आई ना उसकी किस्मत खराब। अब जाओ, तुम जाके सो जाओ, बहुत रात हो रही। मैं जाती हूँ, मगर अब मन तक मारना बंद करके सो। गोलियां खा खा के सो रहा, शादी कर ले बोल तो सुन रही नहीं। क्या रे, क्या बड़े घर के लड़के बोल रहा रे? अरे वाह, तुम्हारे कुछ कवर कर रहा था। शेरू जरा छोटे हाथ के बारे में भी सोच। ठीक है अम्मा। बोलो अब, छोटा हाथ होना क्या बड़ा हाथ? कई का? अरे भाई वो हिसाब से गोलियां लाता ना। अरे मारेंगे कुछ किलर गोलियां खिला तो दे। ये चिंदी पतंग अद्दे से पेंच लड़ा था। साले मेरे खिलाफ आवाज उठाता और बादल शेर को बुलाता, बुला रहे साले शेर को। वो कौन शेर है मेरे को नहीं मालूम भाई, माफ कर दो भाई को। नहीं रे मेरे को वो शेर ही जो ना। वो कौन शेर है कि क्या करता कि मेरे को नहीं मालूम भाई। शेर सो रहा हूँ ना, उठा उठा रे शेर। उठ, अरे उठ। क्या रे, कहीं को तभी उठा रहा भाई? वो बिरला फिरा गया। हफ्ता कहाँ हुआ रे,
वो नहीं मालूम, अपने वहां से चाय आऊंगा, अब तो 7-8 पर्स मारने ही छे। याने 7-8 घुसे फिर खाना पड़ेगा। शेर शेर कल आया आज क्यों नहीं आ रहे? मैं ऐसी पुकारा हूं ना ऐसी जागे हमारे। कौन है रे वो साला शेर? बुला आज 8-10 पर्स मारना ही मारना है। बिल्कुल कल बुलाया तो आया, आज कहीं को नहीं आया रे साला। चलो भाई ये पेट में मुंडी डाल दो भाई, माफ भाई, कर दो भाई, मामला बहुत गरम दिख रहा, जाओ जाके पर्स मारो, ऐसा अभी जा तू। अरे भाई जबरदस्त मौका है हीरोगिरी करने का, बिरला भाई तलवार भी निकाले, अब हम आराम से चोरी कर सकते। अरे जा भाई जा, दवाएं मैं लेके आता हूं। अब दवाएं तो क्या, तेरे को दवाखाने में भी एडमिट करा दूं, अगर तू मर गया ना तेरी खबर को भी अच्छी तरह सजा दूं। इन्हें तो गया काम से, अब इसे कौन बचाता क्या की? आखिर तू है कौन री? अबे टकले, वर्दी देख के मार खा के भी पूछ रहा? कोई बात नहीं रे, तेरी जानकारी के वास्ते मैं बता दूं, मैं इसी एरिया की नई एसआई आयशा हूँ। एसआई? तेरे को मालूम मैं कौन हूँ? मेरे को मालूम तू कौन है, तू एक लुच्चा लफंगा गुंडा है, और तेरे जैसे लोगों को मारने के वास्ते आधार कार्ड पैन कार्ड पूछने की जरूरत नहीं होती रे। ए, खत्म करो साली को। शेर शेर बोलता था ना, वो शेर नहीं शेरनी थी। मैडम पहले आप उस पॉकेट मार को पकड़ो जो हमारी सारी मेहनत को एक झटके में लेके जा रहा। अरे हाँ जी, कल इतना लफड़ा हो रहा था फिर भी मेरी चेन मार ली। भाई बात तो तुम्हारे ऊपर आ गई। मैडम जी उन लोगों का तो फिक्स अमाउंट है, मगर वो साला जितना मिला उतना लेके जा रहा। हाँ बहुत परेशान करके रखा है, आप पहले उसको पकड़ो साहब। अबे ओ पिकपॉकेटर, मेरे को मालूम तू यही झुंगा बोल के। गौर से सुन ले, आज से इस एरिया में ना चेन स्नैचिंग होगी, ना ईट टीजिंग होगी, ना पिक पॉकेटिंग होगी। अगर ऐसा कुछ हो रहा बोले तो मेरे को कॉल करो, मेरा नंबर है 9440782876। क्या सॉलिड दिया रे बाप, बाप ऐसी नौबत किसको भी आए, मगर मेरे को तो नहीं आना रे। भाई इसका अगला निशाना तुम ही दिख रहे है मेरे को। हाँ क्या, उसकी धमकी देख के ऐसा दिख रहा रैम्बो की बहन, टर्मिनेटर की भाभी, रॉकी की खाला, और ब्रूस ली की साली लग रही मेरे को। अरे तू सही बोल रहा रे, मेरे कानों में भी
उसकी ही गूंज सुनाई दे रही रे। भाई अब कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ता। एक काम करेंगे। क्या? अपन एरिया बदल देंगे। नहीं नहीं, अपन शहर छोड़ देंगे। क्या बोलता तू? क्या सॉरी रेडिया है भाई, मगर हमारे पास उसके पैसे नहीं है ना भाई। ऐसा तो एक काम करेंगे, कल एक बड़ा हाथ मार के जाएंगे। मगर वो बिरला तो नहीं आता, फिर कैसा? अरे इतने मार खाने के बाद भी कैसा आता रे वो। अपन एक सीधा हाथ मारेंगे। साली मेरे को मार दी, बिरला को मार दी। बिरला पे आज तक किसी ने हाथ नहीं उठाया, मगर एक लड़की ने मेरे पे हाथ उठाया। लाना था मेरे पे। भाई अपन तो कहते लोगों की आवाज दबाने, उन्हें तो अपने कुछ दबा दी। पहले ही बोला था भाई, अपना नहीं हुआ अगले हफ्ते जाएंगे बोल के, मेरे बात सुने तो अपना। अगले हफ्ते जाते तो भी यही होता। नहीं नहीं भाई, जब तक अपने को मालूम हो जाता था कि एक नई लेडी इंस्पेक्टर आ चुकी है और वो बहुत मारती बोल के भाई। अब क्या करेंगे भाई, अब उनका धंधा कैसे चलेगा? अब धंधे की नहीं बदले की बात है। बिरला वो बला है, तबला तो क्या, बिना तार के सितार भी बजा लेता है और उस पर उसको नचवा भी लेता है। अब देख मैं उसकी जिंदगी को बिना म्यूजिक के कैसे नचाता हूँ। क्या चुना है? क्या समझा मेरे को? चल 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 चल, पकड़ उसको चल। अरे क्या हुआ अम्मी? मार के बिना मैं चैन खींच के भागे, पकड़ उसको, उसकी इतनी हिम्मत। खैर बेटा, आयशा तुम्हारे को पकड़ के अब तुम्हारी नानी और दादी याद दिलाएगी। हाँ तो कामयाब हो गया, जान छुटी हो ऐसे ही से। हाँ भाई, फिर भी एक बार पीछे मुड़ के देख ले, कोई हमारा पीछा तो नहीं कर रहा। अम्मा क्या तुम्हें हो रहे हैं भाई? वो लेडी सिंगा मारी भाई पीछे। अरे भाग रहे अम्मा। अरे इसको इतनी जल्दी खबर कैसे मिली रे? अरे भाई तुम खबर के बारे में सोच रही, मेरे को तो खबर सामने नजर आ रही भाई। अब क्या करेंगे रे? और तेज भागेंगे। भाग भाई, मुड़ मुड़ गली मुड़। अम्मा इन्हें दबंग है क्या सिंगम है भाई? अरे लगता है दोनों प्यार है। रुको 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 रुको, मैडम मैं कर सकता हूं। ऐसा नहीं, गाड़ी तुम पुलिस स्टेशन आके लेके जाओ। ठीक है मैडम। अरे भाग रहे। अरे अम्मा तेरे पाँव पर छोड़ दे अम्मा। भाई भाग, बस मैं जल्दी चल रही। भाई भाई मैं तो चला, इंदर तो फिर नहीं लूंगा। भाई तू तो गया, कितना बोलता था तेरे को भाई, तू आके रनिंग कर लेंगे। तेरी तो, अरे बस को रोक रहे। अरे अरे बस को रोक रहे। अरे अरे ड्राइवर तो अपनी गाड़ी रुका रहा है। अरे अरे इंसान परामर्श भाई, बैगेज मिल जाता। अब मैं कौन बचाता क्या ही। आ अब ये लो। अरे नकली छेना, इतनी मेहनत करने की जरूरत क्या थी? नकली है तो ये हाल, असली है तो सीधा फांसी पे चढ़ा देती ने। असली हो या नकली, चोरी तो चोरी छोटी, और चोरी मेरे इलाके में हरगिज मंजूर नहीं होती। शेरू शेरू मेरा लाल, मेरा बच्चा, किसमें इतनी हिम्मत है मेरे बच्चे को यालाने की? अम्मा मैं यारू। शेरू देख तेरे लाल को लाल लाल कैसे कर दिए। बच्चा क्या हालत कर दी मेरे बच्चे की? कौन करे ये हालत मेरे बच्चे की? निकाल निकाल मेरे बच्चे को बाहर। किसको बोल रही है? बच्चे के सामने सामान चला दी। बच्ची बहुत बकबक करी ना, देर को भी अंदर डाल दूंगी। तुम्हारे बाप का राज है यहाँ पे? बाप का नहीं, बेटी का राज है। इंस्पेक्टर है ये एरिया की। बहुत हुआ, तो मैं क्या करूँ? क्या मैं मोहल्ले में जाके मिठाई बांटू? इंस्पेक्टर इंस्पेक्टर, पहले बाहर निकाल मेरे बच्चे को, निकाल बाहर। कैसे निकालते? चोरी की है तेरे बेटे ने।
इन बहुत दूर की परी है, अब भी जवानी में कदम रखे इन बॉलीवुड की हीरोइन है जैसा, मेरा बेटा इनका चैन चुराएगा था। वाह, ज्यादा दिमाग चलाने की जरूरत नहीं है, मैं वो चैन की नहीं बात कर रही हूँ, गले में की चैन की बात कर रही हूँ। जरा भी शर्म नहीं आती तेरे बेटे को चोर बनाते हुए? ए, जबान संभाल के बात करना, मेरे बेटे को चोर और मेरी परवरिश को नाम नहीं रखना बोल दे रही हूँ, खबरदार। क्या करती की मैं भी देखती हूँ, जबान खींच लेती हूँ। जबान खींच लेती, खींच कैसा खींचती की देखती हूँ, चल खींच, मैं भी देख लेती हूँ, खींच। ज्यादा उचकाने की जरूरत नहीं है बोल दे रही हूँ, तो हल्लक में हाथ डाल के खींच लेती हूँ जबान। खींच, चल खींच, कैसा खींचती बोलने का, खींच, चल खींच, खींच। इतने दिन कहाँ थी, क्या कर रही थी? मैं कहाँ जाती हूँ रे, यहीं पड़ी हुई हूँ और क्या। समझ गई, घरदार संभालते संभालते आधी जवानी निकल गई। सच्ची बोली बाप, आधी नहीं पूरी जवानी जाती। अच्छा और बता, मेरा क्या है? मेरे उन्हों तो कब की अलमिया को प्यारे हो गए, अब मेरी जिंदगी यही छे, मेरी बेटी आयशा। या अल्लाह, कितनी प्यारी है ने, किसी की नजर नहीं लग रहा। आयशा ये मेरी बचपन की सहेली तबस्सुम, प्यार से हम लोग इसको तब्बू तब्बू। और सुना, मेरे पास क्या है रे सुनाने को, मेरे इनो भी जल्दी अल्लाह मियां को प्यारे हो गए, और एक ये नालायक को लेके जी रही हूँ बस। अम्मी चुप बैठ, अम्मी कहते अम्मी, नालायक कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा, चोर बन के बैठा हुआ। अरे जाने दे छोड़, सब ठीक ठाक हो जाएगा। हाँ ठीक होता, मेरा भी वही हाल है कि त्यार माना लेके बैठी, बच्चे के हाथ को मेहंदी लगेंगी, धूम धाम से शादी होगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। कई कुछ ऐसा रिश्ते नहीं आ रहे क्या कोई भी? आ रहे रे फिर? लेकिन ये ठहरी इंस्पेक्टर, वो भी मर्दानी, इसको देख के कोई भी शादी करने के वास्ते आगे नहीं आ रहे। शबू तू बुरा नहीं माने तो मेरी नजर में एक रिश्ता है। ऐसा? हाँ। कौन है रे? मैं इस दाइन से हरगिज़ शादी नहीं करूंगा। ऐसा नक को बोल बेटा, देख कितना अच्छा रिश्ता आया है। अच्छा रिश्ता? तुम्हारे को नहीं मालूम, उन्हें मेरे को भिगा भिगा को मारी, अगर उससे शादी कराना वो सीधा मेरा एनकाउंटर कर देती। अरे ऐसा कुछ भी नहीं होता बेटा, तुम खामो खा के डर रहे। एक इंस्पेक्टर होके चोर से शादी करूं? अरे तू शादी करने के उस घर में गए थे, उन्हें चोरी कैको करता, तू इस देखी ना, उसका बेटा चोर होने के बावजूद वो उसकी कितनी तरफदारी कर रही थी। जरा सोच, तू भाव बन के उस घर में जाएगी तो तेरे को कितना प्यार मिलेगा। अम्मी तुम नहीं समझ रहे। मैं नहीं समझ रही रे, क्या समझू मैं, क्या समझू मैं, बोल क्या समझू मैं। अजी अम्मी, उससे शादी करने से तो मर जाना बेहतर है। या अल्लाह, मर जाना, मरने की बात कर रहा तू? कान खोल के सुन ले तू, अगर ये शादी नहीं होगी ना तो तू मेरा मरा हुआ मुंह देखेगा। धमकी दे रहे, चलो चलो साथ में मरेंगे। अयो कितना तो भी समझाऊं इसको। क्या हुआ मैडम, बहुत परेशान दिख रहे। कल देखे ना वो शादी की झंझट, अम्मी मरने की धमकी दे रहे, ये इस बात का डर है मेरे को, ना अम्मी की बात डाल सकती हूँ ना वो चोर से शादी कर सकती हूँ। मैडम जी हा? अगर ऐसा हो कि अम्मी की बात भी रह जाए और वो चोर से शादी भी ना करना पड़े तो? वाकई ऐसा हो सकता है? हाँ क्या मतलब? मेरे कहने का मतलब ये है हा?
कि आप शादी के लिए हाँ बोल दो। क्या ना तो वहीं से आ जाएगा, क्योंकि कोई भी खुददार आदमी आपके हाथों से इतने मार खाने के बाद शादी के लिए हाँ नहीं बोलेगा। अगर वो भी हाँ बोले तो? अगर वो हाँ बोले ना, अगर वो हाँ बोले ना, सीधा इनकाउंटर। भाई शादी मुबारक हो, शादी मुबारक, मेरे भाई की शादी है। हा? साले एहसान फरामोश, मेरे को अकेला छोड़ के चले आता। अरे हा? अरे मेरी बात तो सुनो जी, पहले मेरी बात सुनो। क्या सुनूं? अम्मा को कौन भी जाए पुलिस स्टेशन, मैं भी जाए अम्मा को पुलिस स्टेशन। शुक्र मनो वो इंस्पेक्टर की अम्मा अम्मा की सहेली निकली। अगर अम्मा पुलिस स्टेशन नहीं आते ना, तुम अंदर का अंदर सीधा ऊपर चले जाते। काश ऐसा ही होता। अब देख आसमान से गिरा खजूर में अटके से हालत हो गई मेरी। हाँ बड़े किस्मत वाले हैं भाई, जो अंदर जाता उसकी शादी नहीं होती। तुम्हारी शादी की बाजी तो अंदर ही चली। वाह भाई। अरे तेरा क्या जाता, जान तो मेरी जाती ना। अरे कुछ नहीं होता भाई, मैं हूँ ना, बस तुम खाली हाँ बोल दो, शादी अपने आप रुक जाती। ऐसे कैसे रुक जाती रे? वो ठहरी एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर और तुम ठहरे गली के मामूली चोर। कहीं सुने एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर गली के चोर से शादी करी सो? सवालिश नहीं पैदा होता। अबे तू मेरी तारीफ कर रहा है या बेइज्जती कर रहा? बेइज्जती उसकी होती है जिसकी कोई इज्जत हो। हा? मतलब है? मतलब तू नहीं समझते यारो? हा? क्या नहीं समझ रहे? अरे मेरा मतलब है भाई, मेरी बात तो समझो पहले। अगर तुम हाँ भी बोल दिए ना, तो वहाँ से जरूर ना ही आएगा, क्योंकि एक पुलिस ऑफिसर चोर से शादी हरगिज नहीं कर सकती। तुम खामा खा अम्मा को नाराज कर रहे और खुद भी परेशान हो रहे। अगर वो भी हाँ बोली तो सवालिश नहीं पैदा होता। बात तो तू सही बोल रहा रे। अम्मा अम्मा तुम यहाँ है? अम्मा क्यों नाराज है? मेरे पर नाराज है? चलो तुम्हारी नाराजगी अभी दूर कर दूं। तुम भी क्या याद करती, मैं शादी के वास्ते तैयार हूँ। सच्ची? या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। माँ को खुश रखना हर बेटे का फर्ज है। अरे ऊपर वाला हर माँ को तेरे जैसा बेटा दे। मैं क्या एक मिनट, फौरन मैं शब्बो को एक खुशखबरी सुनाती हूँ। क्या? अरे तब्बू का फोन है। हेलो शब्बो, शब्बो खुशखबरी है, शब्बो खुशखबरी, मेरा बेटा शादी के लिए मान गया, हाँ बोल दिया उन्हें। अरे मेरी बेटी भी शादी के लिए हाँ कर दी। या अल्लाह सच्ची भी? हाँ। सॉरी। ओ मैं खुशी से पागल हो जाऊंगी, मैं तो खुशी से मर ही जाऊंगी। अच्छा अच्छा हम दोनों मिलकर शादी की पूरी तैयारी करेंगे। हाँ अल्लाह हाफिज। हाँ हाँ ठीक है, चल अल्लाह हाफिज। शेरू तू बहुत खुशकिस्मत है रे, आयशा भी शादी के लिए हाँ बोल दी। कर शादी बोले तो मजाक नहीं, कितने काम है मेरे को। कहाँ तुम जा रहे हो? अम्मा तुम तुम्हारा काम करो, हमारा छोटा सा काम है, अभी आते। हाँ माँ छोटा सा काम है, अभी आते। अरे शेरू ले जा रहा भाई, इतने सारे काम है बोले तो छोटा काम है कते। ताले अरे छोड़ो भाई, अब शादी मेरा गल्ला कर जाना भाई। अरे छोड़ो भाई, क्या समझा रहे? आसमान को छूने वाली एक मामली चोर से शादी करेगा, सवाल ही पैदा नहीं होता। अब बोल कैसा हो रहा है, सब बोल। अरे भाई मेरे को समझ में नहीं आ रहा ये कैसा हुआ, मगर मेरे को समझ में आ गया। क्या? उन मेरे को मारने की प्लानिंग कर रही। तुम्हारे को मारने को प्लानिंग की भी जरूरत है? अरे चुप, तेरे को नहीं मालूम वो दायन बहुत खतरनाक है। अब क्या करोगे? वही सोच रहे रे। मगर एक बात है भाई, अम्मा बहुत खुश थी, इतना खुश अम्मा को मैं पहली बार देखा। तू सही बोल रहा रे, मैं डिसाइड कर लियो। क्या? शादी करने का? नहीं मरने का। क्या? हाँ अदा पर फिदा बहुत होते हैं, प्यार मोहब्बत में तो सभी मरते हैं। है कोई मैका लाल इस दुनिया में जो अम्मा के लिए अपनी जान देते हैं? वाह क्या शायर बोले भाई, बहुत खूब, अम्मा सही बोलती थी, सबको तुम्हारे जैसे बेटा होना। सुपर, दिल को छू लिया भाई। तुम फिक्र न करो, तुम्हारी मौत मैं यादगार मौत बनाऊंगा। क्या? अरे मैडम ये अच्छा नहीं है, आप मेरे को पनिशमेंट दे रहे सेल में बिठा के, और वो चोर देख के हंस रहा मेरे को, और तेरी वजह से मैं रो रही हूँ। मेरी हालत गधी के जैसी हो गई, ना घर की ना घाट की। अरे मैं क्या करूँ, मेरे को क्या मालूम उन्हें आपके हाथों से इतने जूते खा के भी हाँ बोलेंगा बोल के। खुदा ना करे आपकी उस किस्म के आदमी से शादी हो जाए, पता नहीं आप उसे कैसे बर्दाश्त करोगी की।
खबरदार, अगर तू शादी की बात करी तो अब आप क्या करोगी? वही सोच रही हूँ। मैडम जी ने उठ गई। चल बैठ बैठ, मैं कुछ नहीं जानती, बैठ। अरे मैडम, आप सलाम मशवरा देना भी गुनाह होगा क्या? चल उठ, तू भी क्या याद रखेगी। मैडम मेरे पास एक और एक आइडिया है। नक्को माँ, मेरे को तेरे आइडियाज नक्को, तेरे आइडियाज तेरे कने च रख। मैडम जी कुछ सोचिए। वॉइस तो सोच रही हूँ ना, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, क्या करूँ? अच्छा चल तू इच बोल। अम्मा नक्को मैडम, अगर कुछ भी गड़बड़ी हुई तो तुम मेरे को सीधा दीवार पे बिठा देते। नक्को बा। अरे नहीं नहीं, बोल ना प्लीज। अब आपके पास एक ही रास्ता है। कौन सा? एनकाउंटर का। क्या? ये सही बोली। ना रहेगी बास, ना बजेगी बांसुरी। अरे तब्बू, ये सब चीजों की क्या जरूरत थी? अरे चब्बू तू चुप बैठ, ये सब क्या मैं तेरे वास्ते लेके आई? ये सब तो मेरी बहू के वास्ते है। हाँ। लो आ गई बहू, आओ बेटे नीचे आओ। शर्मा रही बिचारी। तेरा लाख लाख शुक्र है, तू मेरे बेटे के साथ शादी के लिए हाँ बोल दी, बहुत बहुत शुक्रिया। अरे तब्बू ये क्या तभी है? तू चुप बैठ शब्बू, तेरे को नहीं मालूम। ये सब छोड़ो, मैं भी बातों में लग जाती हूँ। ये लो बेटी तुम्हारी शादी का जोड़ा। ले 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 ले, तेरी सास दे रही। जी नहीं अम्मा, आज से मैं तेरी अम्मा हूँ। ये लो बेटा। देख ले शब्बू, शादी होते ही ने तेरे को भूल जाएंगे। हाँ अब्बा। जीते रहो बेटे, अब मैं चलती हूँ। अरे तब्बू खाना तो खा लेके जा। अरे तुम्हारे खाने वाने की जरूरत नहीं है मेरे को, मेरे बहू की सूरत देखते ही मेरा पेट भर गया। हाँ। अरे शब्बू कितने काम बाकी है रे, फंक्शन हॉल को जाना है, फोटोग्राफर से बात करना है। अरे वो बावर्ची तो आज ही एडवांस लेता हूँ बोला, उससे भी मिलना बाकी है, फूल वाला। तोबा तोबा, बहुत काम बाकी है शब्बू, चलती हूँ मैं। अगर शादी का जोड़ा तुमको पसंद नहीं आया ना तो बेझिझक मेरे को बोल देना, मैं दूसरा ला देती हूँ। तब्बू तू मेरी बेटी को क्या समझ रही? जा जा, बहुत काम है बोली ना, देख ले जा। जाने के लिए आई, मैं यहाँ रहने के वास्ते नहीं आई हूँ। देख लेना तेरी बेटी जब मेरे घर की बहू बन के आएंगी ना, जब देख लूंगी तेरे को मैं, कदम कदम रखने नहीं दूंगी मेरे घर में। हाँ ठीक है, देख लेंगे। हाँ देख लेंगे देख लेंगे, चलो जी। हो रही पागल है दीवाने, बातें करती हमेशा। आशा, क्या हुआ? कुछ नहीं अम्मी। मैडम उसका एनकाउंटर करने गए, क्या हाल होता कि उसका? अब मैं अब बीच बताती हूँ क्या हालत होती होंगी वहाँ पे। मैडम ऐसा गए होंगे जाके उसके सर पे बंदूक लगा के। हाँ? अरे मैडम आ गए, क्या हुआ मैडम, एनकाउंटर हुआ? हाँ हुआ, उसका नहीं मेरा। मतलब दरवाजे का खटका खुला रख दिया, अब भागने में आसानी होगी। जल तू जलाल तू आई बाला को टाल तू, जल तू जलाल तू आई बाला को टाल तू। या अल्लाह ये घूंघट मेरे कफन जैसा दिख रहा, अब मेरा क्या हाल होता है क्या? क्या रे साले, तू मेरे से शादी करता और मेरे साथ सुहागरात मनाने आता, तेरी इतनी जुर्रत? गलती होगी मैडम, गलती होगी, माफ कर। पुलिस वालों का नहीं, गलतियां माफ करने का एक ही तरीका होता। खाब में चीन पसीना पसीना करते, सही बात तो, बाप रे बाप। शेरू। हाँ? अरे बेटा शेरू उठ गया तू? देख उठते उठते तेरे लिए खुशखबरी लेके आ गई मैं। अरे अगले महीने 4 तारीख को तेरी शादी की तारीख तय हो गई। क्या? हाँ? और सुहागरात?
वाह 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 वाह, शादी कर ले बेटा, बोलते नको 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 नको। अब कही की शादी की तारीख तय हो गई, बोलते पहले सुहाग रात। वाह 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 वाह, ये तो वही बात हो गई। नहीं घर में गुड़ नहीं है मगर मक्खियाँ आ गई कते। अम्मा वो बात नहीं है। हाँ, क्या तुम नहीं समझोगी? अब्बा अब मैं नहीं समझूंगी। नहीं अरे सब छोड़ो, मेरे से एक वादा करो। वादा कहीं का वादा रे, बोल। वो क्या है कि अम्मा? अरे क्या है बोल शेरू। वो मेरे सुहागरात पे। हाँ सुहागरात पे, मेरे सुहागरात पे तुम भी आओ मेरे साथ, मुझे बहुत डर लगता है। लाला बेशरम, शर्म नहीं आती तेरे को? उठ, बहुत काम बाकी है अभी। और सुन, तेरी सुहागरात उसी दिन रात को है, यानी 4 तारीख की रात को। चार तारीख को, यानी मेरी मौत की डेट फिक्स होगी समझो। उस दिन मेरा क्या हाल होता है क्या ही? अम्मा, अल्लाह, अब्बा, 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 अम्मा, अल्लाह, अब्बा। क्या हुआ मैडम जी, कई को ऐसी धुलाई कर रहे? जरूर इन्हें मर्डर या रेप कराऊंगा, नहीं तो मैं मैडम को कभी भी ऐसा गुस्से में नहीं देखी। अरे नहीं, वो मैडम की शादी की डेट फिक्स हो गई ना, इसके वास्ते। मतलब इन्हें कुछ भी नहीं करा? उसने अपना वैलेट खो दिया इसलिए कंप्लेंट करने आया बस। क्या अब्बा? अरे छोड़ो छोड़ो छोड़ो, अरे छोड़ो छोड़ो छोड़ो, उसको जाने दियो, छोड़ो छोड़ो, अरे छोड़ो मैडम, मर जाएंगे उन्हें, छोड़ो, तुम जाओ जी बाहर जाओ। मैं जिंदगी में कभी पुलिस स्टेशन में कदम नहीं रखूंगा। क्या है मैडम, चलो बाहर चलो चलो। क्या हुआ मैडम जी, किसका गुस्सा किस पे उतार रहे? क्या करूं, अम्मी शादी की डेट फिक्स कर दिए, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। 2 नवंबर, बहुत दिन है, अगले महीने की 4 तारीख को। हाँ 15 नवंबर, हाय ले, इतना जल्दी दिन गुजर गए। अरे रुक 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 रुक, आशा आशा, इले इसमें से एक रोखा पसंद कर। तुम बोलो तुम्हारे कौन सा पसंद आया? मेरे को तो ये वाला पसंद आया। तो उसको फिक्स कर दो। अरे ऐसा कैसा होता, तेरी पसंद भी जरूरी है। अजी अम्मी मेरे को भी वही पसंद आया। अच्छा अच्छा ठीक है। बेटा तू इस शादी से खुश है ना? आप बोलो आप खुश है कि नहीं? मैं तो बहुत खुश हूँ, इतनी खुश हूँ कि मैं अपनी शादी में भी इतनी खुश नहीं थी। बेटा शादी के बाद तू मुझे भूल तो नहीं जाएगी ना? ये कैसे बातें कर रहे हैं आप? शादी के बाद हर लड़की के माँ को इसी बात का डर रहता। ऐसा हरगिज नहीं होगा। अच्छा चल, मेरे को और भी बहुत काम बाकी है। वो लेडी सिंगम से शादी करने से तो अच्छा ये फैन को लटक के मर जाना बेहतर है। अम्मा अम्मा, अबे मुनीर, अम्मा को मत बता रे। अम्मा को अब कैसे समझाऊं, रो रो के परेशान कर देगी। अब लटक। लटक क्या? लाइव क्रिकेट बहुत बार देखा और लाइव सुसाइड कभी नहीं देखा। आज वो भी अरमान पूरे होने वाले हैं आपकी वजह से। जरा जल्दी करो भाई, और इंतजार नहीं होता। मेरे को शादी के वास्ते फूलों का ऑर्डर देना है। अब वो फूल ना तुम्हारे जनाजे पे काम आएंगे। क्या मैं जाके पहले ऑर्डर दे के आऊं? बंदे को क्या देख रहा, तब तक तुम अपना सुसाइड प्रोग्राम पोस्टपोन करते क्या? क्या बोलते? क्या तेरे वास्ते मैं सुसाइड प्रोग्राम पोस्टपोन कर लूं? तो क्या बीच करते क्या? हां ठीक है करो। हां याद रख, लटकते वक्त 5 मिनट तक तेरे पैरा फड़फड़ाना। 5 मिनट तक? और एक बात, जबान 1 मीटर बाहर आना जरूरी है। और मैंने सुना है अखियां भी बाहर आ जाते। मुंह में से भकीट भर के खून निकलना, नहीं तो मजा नहीं आता। और एक बात, गले में रस्सी को अच्छे से बांध लो, अगर रस्सी ढीली हो गई ना, ना जी सकेंगे ना मर सकेंगे, खाली पीली बीच में लटक जाएंगे। अबे साले तू मुझे बचा रहा है या डरा रहा? नहीं भाई नहीं, ना मैं आपको बचा रहा हूँ ना डरा रहा हूँ। तो फिर मैं तो आपकी मदद कर रहा हूँ ताकि आप आराम से दुनिया से रुखसत हो जाए।
भाई। हाँ बोल। कोई आपकी आखिरी ख्वाहिश है तो बोल दो। बोलना। नहीं तो भूत बन के हमको सताएंगे। ओके खुदाफिस। चल जा रहे। मैं नहीं करता खुदकशी। किसको बताना है बता ले जा। तू जब बोले जब मैं खुदकशी कर लूं। मैं नहीं करता। इतनी दूर आके पीछे हटना आपकी शान के खिलाफ है। आप फिक्र न करो, मैं अपने गली में आपका पुतला बनाऊंगा और तुम्हारी पब्लिसिटी भी करूंगा और मैं लिखाऊंगा कि देखो माँ के वास्ते जान देने वाला बेटा है। क्या बोलते? तू कुछ न बोले, पहले जाके फूलों का ऑर्डर दे। दे तो मगर आप ये नहीं बताए पूरा शादी के वास्ते क्या जनाजे के वास्ते। अब ये भी बताऊं क्या शादी के वास्ते? तो ठीक है। सुसाइड करते करते सुसाइड। अब जिंदगी में कभी सुसाइड का नाम न लेना। चार तारीख तेरी तो। अरे दूल्हे वाले आ गए, जल्दी जल्दी करो। हाँ हो गया हो गया, बस हो गया। माशाल्लाह मेरी बच्ची को मेरी नजर लगी जैसी है। जल्दी जल्दी तैयार करो। मैडम जी अभी भी वक्त है, आप उसकी बीवी बनने से पहले उसे उड़ा देते हैं। नहीं छोड़ दे। अरे आप इंस्पेक्टर हो के कहीं को पीछे हट रहे? ये तो आपके बाएं हाथ का खेल है। ये बाएं हाथ का खेल नहीं, सब ऊपर वाले का खेल है। और मैं एक इंस्पेक्टर के साथ साथ एक बेटी भी हूँ और अब बेटी का फर्ज निभाना है। दूल्हे का सहरा सुहाना लगता है, दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है। अबे साले एहसान फरामोश, जब से देख रहा हूँ तू मेरे से ज्यादा उसकी तरफदारी कर रहा। अरे कैसे बातें कर रहा भाई, मैं तेरा गली का मामूली चोर और वो तेरी आसमान को छू लेने वाली। उसकी तरफदारी करने के मैं काबिलिश नहीं हूँ। वो तो तुम्हारी किस्मत अच्छी है जो तुम्हारी शादी उस लड़की से हो रही। देखा तू अभी भी उसकी तरफदारी कर रहा, मेरी नहीं। अरे वो सब छोड़ो भाई, वक्त हो रहा, पहले सहरा बांध लो। ला ये सहरा। ये सहरा नहीं, मेरे जनाजे का चादर है। चादर देखा ये फूल भी कैसा मुरझा रहा है। अब तुम इसे चादर समझो या सहरा समझो, क्या फर्क पड़ने वाला है? हाँ हो तेरा क्या जा रहा, जान तो मेरी जा रही। चल चल जा, जल्दी आ जाओ, सब लोग तुम्हारे जनाजे का इंतजार कर रहे हैं, मतलब शादी का। मुबारक हो भाई। तुम भी जाओ। मुबारक मुबारक। उकली में सर्दी है तो मुसल से क्या डरना। अम्मा ये सब तुम्हारे लिए है। चलो सब लोग तो यही छे, अब कौन? हेलो कौन? इतना जल्दी भूल गई तू मुझे? मैं बिरला हूँ, भले ही तू मुझे भूल जाए मगर मैं तुझे भूल नहीं सकता। अच्छा तू बोल कैसे याद किया? अरे तुझे तो शादी का कार्ड ही देना भूल गई। कार्ड तो तू तब देगी जब तेरी शादी होगी ना। मतलब? मतलब मैंने तेरे दूल्हे को उश किडनैप किया हूँ। क्या? हाँ। परेशान हो गई? तू क्या समझी मैं चुपचाप बैठा रहूंगा? अरे ओ मेरा धंधा उजाड़ के तू अपना घर बसा लेती। अरे हौली बिरला वो बला है, बिरयानी में से तो क्या दाल चावल में से भी हड्डियां निकाल लेता है। अगर तेरे में दम है ना तो मेरे अड्डे पर आकर तेरे दूल्हे को लेके जा। क्या हुआ मैडम जी? दूल्हा तो किडनैप हो गया। क्या? हाँ उसे तो बिरला ने किडनैप किया। वाह ऊपर वाले तेरी टाइमिंग का जवाब नहीं, गॉड तुसी ग्रेट हो। अब मैं क्या करूं? अरे मैडम जी अब आप कुछ भी ना को करो मैडम जी। मगर अम्मी? आप अम्मी के बारे में भूल जाओ, आप अपनी बेटी होने का फर्ज अदा कर दिए। अब हालात ऐसे तो अपन क्या कर सकते? ये तो सही है, अगर अम्मी आए तो क्या बोलूं? आप फिल्मा विल्मा नहीं देखते क्या? आशा, अरे आशा दूल्हा नजर नहीं आ रहा। क्या? हाँ नहीं। आशा अरे क्या हो गया, दुल्हन बेहोश हो गई। शादी कैंसिल करो, शादी कैंसिल करो। हाँ
माय काम। अबे तू बिल्ला के अड्डे पे? हाँ और तुझे किडनैप किया गया। क्या मेरे को किडनैप करे? याहू! अरे भाई पहले मेरे को बोले तो मैं खुद को ऑपरेट करता था ना। कहाँ तो भी चले गया बच्चा। आगे मेरा शेरू, कहाँ है मेरा शेरू? अम्मा वो कुछ मालूम हुआ क्या? नहीं मालूम पड़ा अम्मा। अल्लाह क्या तो भी हो रहा है, कहाँ चले गया मेरा बच्चा? तू सच बोल, तू मेरे से कुछ छुपा रहा तो नहीं ना? बोल मेरा बच्चा कहाँ है? नहीं मालूम अम्मा कहाँ है वो। तेरे को सब मालूम है, तेरे को सब मालूम है, बोल बोल मेरा बेटा कहाँ है? मैं सही बोल रहा हूँ माँ, मेरे को नहीं मालूम। तू एक बात कान खोल के सुन ले, हर माँ अपने बच्चे को ही बच्चा नहीं मानती, उसके हर दोस्त को भी अपना बच्चा मानती है। और मैं ये कभी नहीं सोची थी कि मेरा सिर्फ एक ही बच्चा है। अम्मा बोलता ना मेरे को, अम्मा बोलता ना मेरे को, तो खा मेरी कसम और बोल मेरा बच्चा कहाँ गया मेरा बच्चा? तेरी कसम अम्मा, वो कहाँ गया मालूम नहीं, लेकिन क्यों गया ये बता सकता हूँ। तो फिर बोल कहाँ गया मेरा बच्चा? दरअसल शादी है भाई को हरगिज पसंद नहीं थी। क्या? मगर उन्हें खुद हंसी खुशी मेरे पास आकर शादी के लिए राजी हो गया बोल के बोला था ना। मैंने ये सोच के हाँ बोलने को कहा था कि वहाँ से जरूर नहीं आएगा, क्योंकि एक पुलिस ऑफिसर एक चोर के साथ में शादी हरगिज नहीं कर सकती, मगर इत्तेफाक से वहाँ से भी हाँ ही आ गया। भाई तो ऐसा फंस गए थे, वो तो एक बार खुदकुशी करने की कोशिश भी की। खुदकुशी? अच्छा हो मैं एंड टाइम पे पहुँच गया, नहीं तो ये सब मेरी वजह से हुआ, मैं भाई को ये बोलने को बोला था। अम्मा मैं ये सोचा था कि एक पुलिस ऑफिसर भाभी बनकर इस घर में आएगी तो भाई की जिंदगी सुधर जाएगी, और इससे अच्छा बढ़िया रिश्ता भाई को कभी नहीं मिलता। अरे बाद में भी तो नक्को बोल के बोल सकता था ना हमने। आपकी खुशी देखकर ना नहीं बोल सका अम्मा। अल्लाह मेरा शेरू, अगर उन्हें कुछ कर लिया तो मैं कहीं की नहीं रहूंगी। नहीं अम्मा वो जिंदगी में ऐसा कुछ नहीं कर सकता, इस बात की मैं गारंटी देता हूँ, तुम टेंशन मत लो। अल्लाह मेरा शेरू, कहाँ है कि क्या नहीं की, क्या कर रहा कि क्या नहीं की, मेरे खाना परसने तक निवाला नहीं खाने वाला, मेरा बच्चों कुछ खाया भी कि नहीं की। क्या खुलगा खै जैसा खा रहा यार इन्हें, गप गप। क्या भाई पट्टों को नहीं खिला रहे, दुश्मनों को खिला रहे? माइस नहीं खाया रे आज तक। अब क्या करेंगे बोल रहे, कब तक पालेंगे इसको? मैं ये सोच रहा हूँ वो साली तो नहीं आई और इसको किडनैप करे बोल के इन्हें खुश हो रहा, बीच में अपन ही बेखुफा निकले। लगता है भाई दोनों जबरदस्ती से शादी कर रहे। अपने को क्या करना है, पहले ये सोचो ये टिड्डे से छुटकारा कैसे पाएंगे। सोचना गायकू, छोड़ देते हैं। इतनी मेहनत से किडनैप करे कुछ तो फायदा उठाना चाहिए ना। दीदी ना गायब हो गया, कैसा है कि क्या नहीं की। शेरू चूंगा, शेरू कहाँ है बेटा तुम? ए, शेरू नहीं वीरू नहीं, मैं तेरे बेटे को किडनैप कर लिया हूँ। किडनैप? चुपचाप 20 लाख लेकर घट के सर को आओ। या अल्लाह 20 लाख, 20 लाख मेरे पास कहाँ से आएंगे? कोई बात नहीं, जितने हैं उतने लेकर आओ और बाकी के अपने बेटे को टुकड़ों में लेके जाओ। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं करना, मेरे बच्चे को कुछ भी नको करो। देखो शायद तू अभी भी शादी के बारे में सोच रही होगी, अब ये शादी हरगिज नहीं हो सकती, तू समझ गई ना? और मैंने खुद वो लेडी इंस्पेक्टर को फोन करके बताया है कि मैंने तेरे दूल्हे का किडनैप किया है, फिर भी उसने कुछ नहीं किया, दोनों ने तुम्हारे को बेखौफ बनाया है, इसीलिए चुपचाप पैसे लेकर आओ और अपने बेटे को सिंगल पीस में लेके जाओ। मेरी बात सुनो। हेलो हेलो, या अल्लाह मैं क्या करूं मेरा बच्चा। मैडम आज तो मैं आपके वास्ते बहुत खुश हूँ, आज तो पार्टी होना ही छोना। हाँ हाँ देती हूँ देती हूँ। ऊपर वाला जो भी करता अच्छे के लिए करता। ये तो सही बोल रहा, अब ऊपर वाले के हाथों में क्या है कि आयशा
देखी देखी आज तेरी वजह से क्या हो गया। मेरा बच्चा किडनैप हो गया। उसको किडनैप कौन करे ये भी तेरे को मालूम है। फिर भी तू चुप बैठे सो है क्यों? क्योंकि क्योंकि तेरे को ये शादी नहीं पसंद थी। मैंने सोचा कि आपका बेटा ना बोलेगा। हाय अल्लाह, वो भी यही सोचकर हाँ बोला। इसका मतलब तू भी अपनी माँ की खुशी के लिए खामोश हो गई ना? या अल्लाह, अरे तुम लोग कब समझेंगे कि तुम्हारी खुशी में ही हमारी खुशी है? ये हाँ और ना के चक्कर में मेरा बेटा फंस गया। आप फिकर ना को करो, वो एक मामूली गुंडा है, वो कुछ नहीं करेगा। अरे 20 लाख मांग रहे मेरे बच्चे को छोड़ने के लिए, मैं कहाँ से लाऊंगी 20 लाख? वो लोग खाली धमकी देते, ऐसे लोगों को मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। मगर तू एक माँ के दिल को नहीं जानती। तू मेरे बेटे को पसंद नहीं करती ना, ठीक है, मगर एक माँ के दर्द को समझो। मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ, झोली फैलाती हूँ, मैं तुम्हारे पैर भी पड़ने के लिए तैयार हूँ। अरे क्या कर रहे हैं आप? नहीं, मेरे बच्चे को बचा लो, मेरे बच्चे को बचा लो। छोड़िए और रिश्ते को रखो बाजू। बस इतना समझो कि एक माँ अपने बच्चे के लिए कंप्लेंट दे रही है, और तुम एक पुलिस ऑफिसर होने के नाते क्या कर सकती हो वो करो बस। अल्लाह हाफिज़। तुम तो ठहरे परदेसी, साथ क्या निभाओगे? भागो रे, भागो भागो दायनारी। क्या हुआ रे, काई को भाग लेते बिर्रा? अरे जल्दी छुप जा यार, वो लेडी इंस्पेक्टर आ रही। मैं जो चाहता था वही हुआ। आंधे साली को खत्म करो, साली को। मैं तो जाके छुप जाता हूँ। वाला सालों को भागो, बल्कि सुनते ही नहीं। अब भूख तो तभी राउंड अप कर लो, अब वो कंफ्यूज होने वाली नहीं है। अब तुम लोग का एक एक का बैंड बजाते हो। अब देखो बेटा, राउंड अप करके क्या फायदा रे? ऑलरेडी मारा खाई सो है ना रे? इतनी भी काई को ही रिस्क रे तुम लोग को? मैं उसे खत्म कर दूंगा। खत्म करते? उसको खत्म करने से पहले तुम लोग खत्म ऐसा दिख रहा मेरे को। चलो, मैं नहीं आता। अगर मैं आया ना तो मेरे से शादी कर लेती। मैं नहीं आता। Oh,
मत आना रे। अपने आप को बहुत बड़ा पहलवान समझ रहा ना रे। अब क्या भक्ता भाग फिर रे। अब तेरा बता अब फिर ऊपर जाइए ऊपर ऊपर क्या हुआ मेरी आयशा को कहाँ है वो मालूम नहीं अंदर ऑपरेशन चल रहा ऑपरेशन या अल्लाह अगर मेरे बच्चे को कुछ हो गया तो मैं कैसे जीऊंगी चप्पू कितनी बेवकूफ हूँ मैं ये सब मेरी वजह से हुआ तुमको किडनैप करे सो बात जाके आयशा को मैं बोलियो बेटा क्या अरे वो बिरला तुमको छोड़ने के 20 लाख रुपए मांग रहा था मैं कहाँ से लेके आती इसलिए मैं आयशा को बोलकर आई मतलब आयशा तुमको बचाने के वास्ते ही वहाँ पर आई थी मेरी बच्ची मेरी सर को कुछ भी नहीं होगा इज आउट ऑफ डेंजर शुक्र है अल्लाह आप लोग अंदर जाकर देख सकते हो वहां से जाइए डॉक्टर साहब सब ठीक तो है ना वो आपकी क्या लगती है वो आशा 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 ये क्या तुम्हें हो गया तू ठीक तो है ना हां मैं ठीक हूं ये सब कैसा हुआ बेटा शबू तू बैठ पहले खून ज्यादा बह गया था अगर थोड़ी भी देर हो जाती तो बहुत मुश्किल हो जाती थी आप लोग इनका अच्छा सा ख्याल रखिए टेक केयर अब बस बहुत हो गया तुम मालूम शबु इन दोनों को ये शादी करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था हम दोनों की खुशी के खातिर अपनी खुशी की कुर्बानी दे रहे थे दोनों क्या हाँ। अब न को जबरदस्ती की शादी से क्या क्या नतीजे मिलते देख लिए देख लिया अब हमको मालूम हो गया अब ये शादी हरगिज नहीं हो सकती अगर तुम लोग करना चाह रहे तो भी हम करने नहीं देंगे और अगर तुम लोग करते बोले तो हमारा मरा हुआ मुंह देखेंगे बिल्कुल सही अब ये शादी कैंसिल बेटा शेरू अब तो तू खुश है ना हाँ? हाँ, हाँ। देख बेटा शेरू बोल दे रही आइंदा ऐसी वैसी हरकत नहीं करना हाँ? तेरे को कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा रे ये मेरे को कैसा मालूम हुआ बल्कि सोच रहा मुनीर आके सब सुनाया मेरे को अजी अम्मा ऐसा हरगिज नहीं होगा ये मेरा वादा है वादा है हाँ। कर वादा ये लो देख बेटा मेरे को यही छोड़ा और एक बात अगर कोई लड़की तेरी जहन में है तो पहले आके मेरे को बताना वो इस लड़की के साथ में तेरी शादी करा दूंगी ठीक है ठीक है तू खुश रहना बस आराम से बेटे आराम से बस बेटे बस बहुत हो गया नौकरी विक्री बंद
अब ये नौकरी को इस्तीफा देना होगा। अरे अरे क्या अरे, तू मेरी बात ही नहीं समझ रही। पहले तो तेरे से डर के कोई भी लड़का तेरे से शादी करना ही नहीं चाह रहा, अब तो तेरे पे जानलेवा हमला हुआ, ये जानकर कौन तेरे से शादी करेगा बोल। अरे अम्मी, बात को कहां से कहां लेके जा रहे, छोटी सी बात है ना। छोटी सी बात? छोटी सी बात होगी तेरे लिए, मेरे लिए नहीं। शुक्र मनाओ उस शेरू का। अब ये शेरू कौन है बीच में? अरे इतनी जल्दी भूल गई, जिससे तेरी शादी होने वाली थी, तब्बू का लड़का शमशेर। वो उसे प्यार से शेरू करके बुलाती। तेरे लिए तो वो फरिश्ता है, फरिश्ता। आयन वक्त पे वो तुझे हॉस्पिटल नहीं पहुंचाता तो मालूम नहीं क्या हाल होता। अल्लाह उसको हर खुशी दे, उसकी हर मुराद पूरी अदा करे। आमीन सुमामीन। ऊपर वाले ने भी क्या खेल खेला, जिसे तू चोर बुलाती थी, जिसे तू इतना मारा पीटा, जिसे तू शादी इसने करना चाह रही थी, उसी ने आज तेरी जान बचाई। इस बार तो शेरू ने तेरी जान बचा ली, बार बार कौन बचाएगा बोल। इसलिए बोल रही बेटा, ये नौकरी छोड़ दो, तेरी शादी भी हो जाएगी और जान का कोई खतरा भी नहीं रहेगा। देख बेटे, मेरे खातिर, मेरे खुशियों को खातिर ही ना तुमने ये शादी को हाँ बोला, अब मेरे खुशियों के खातिर तुम ये नौकरी छोड़ दो। बोल बेटे, छोड़ दे। ठीक है अम्मी, छोड़ दूंगी। खुश? तेरा लाख लाख शुक्र है बेटा। भाई भाई भाई, एक खुशखबरी है। क्या? वो लेडी इंस्पेक्टर ना सिंगम, वो इस्तीफा दे रही है। क्या? सुना था ठोकर लगे तो अकल आती बोल के, मगर लगता है इसके सर पे माल लगा तो अकल ठिकाने आ गई। हाँ भाई, अपन अपना धंधा फिर से शुरू कर सकते हैं ना। हाँ, बिरला से पंगा तो टाटा बाय बाय होता। उसका इस्तीफा अपना मुनाफा भाई। साईं बोला रे। आपकी खिदमत में ये गुलाम हाजिर है, फरमाइए आपको कहाँ जाना है? बस वो मैं ऑटो का इंतजार कर रही थी। अरे ये तो वही बात हो गई, ये देखिए मैं क्या हूँ, पूछे ना कोई क्या कर रहा हूँ, मेहनत से अपनी रोजी रोटी कमा रहा हूँ, मंजिल तक पहुँचाने तैयार मैं खड़ा हूँ, खिदमत का मौका दीजिए, ऑटो चला रहा हूँ। वाह 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 वाह, शुक्रिया शुक्रिया। अब आपकी तबीयत कैसी है? बस ठीक हूँ शेरू जी। शुक्रिया 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 कह रही थी मैं, आपने मेरी जान बचाई और मैंने आपका शुक्रिया भी अदा नहीं किया। मेरे लिए तो आप फरिश्ता हैं। क्या? ऐसा मेरी अम्मी कह रही थी। अच्छा अच्छा, अगर ऐसा है तो आप भी मेरे लिए फरिश्ता है। फरिश्ता नहीं, फरिश्ते से बढ़कर है आप, क्योंकि पहले आपने मेरी जान बचाई, ऐसा मेरे अम्मी भी कह रही थी, इसके वास्ते आपका भी शुक्रिया। गुस्ताखी माँ, आपका मंजिल कहाँ पर है? नाम बली, मेरी कांस्टेबल हीना की शादी में जा रही हूँ। हो हीना, वही ना जब आप मेरे को पीट रही थी, हाथ पे पैर रख के ठहरी सो। जी वो ही। तो फिर आपकी कब है? जी आपने सही सुना, मेरा मतलब आपकी शादी कब है? क्या करें, कोई मुझसे शादी करने के लिए आगेश नहीं आ रहा, इसके वास्ते मैं नौकरी छोड़ने का फैसला भी करी हूँ। क्या क्या हुआ, इतना बड़ा झटका दिया तो ऐसी छोटा। आपकी शादी का क्या हुआ, मेरा मतलब है आप कब कर रहे शादी? अब एक चोर से कौन शादी करेगा बोली, इसके वास्ते ही अब मैं ईमानदारी की बिरयानी खा रहा हूँ, देखेंगे अब कौन आते हैं कि। बस 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 यही। जी मैं आपसे पैसे नहीं ले सकता हूँ। थप्पड़ मार के भी दे सकती हूँ। थप्पड़ से डर नहीं लगता है मैडम, प्यार से लगता है। ये लीजिए। मगर एक शर्त पे ले तुम। क्या? आप अपनी ड्यूटी मत छोड़िए, आप जैसे ईमानदार ऑफिसरों का इस जमाने में सख्त जरूरत है। ठीक है ये लीजिए। जी शुक्रिया।
यूं ही तुम हंस के चल दिए, हम तो जीते जी मर गए। नफरत की आंधी पल भर में प्यार की कश्ती बनने लगी। वक्त की कैसी करवट है, अनहोनी होनी बनने लगी। यूं ही तुम हंस के चल दिए, हम तो जीते जी मर गए। मौला ये तेरी अता सारी, ये जिंदगानी शुक्र मैं तेरा अदा क्या करूं। वो तेरी इनायत तेरी, नवाजिश तेरी, ये मेहरबानी मैं कैसे भूलूं। मौला ये तेरी अता सारी, ये जिंदगानी शुक्र मैं तेरा अदा क्या करूं। वो तेरी इनायत तेरी, नवाजिश तेरी, ये मेहरबानी है। उसकी अदा से दिल शाद किया, दुनिया मेरी आबाद किया। है यही रब से मेरी गुजारिश, रहे यूं ही ये साथ सदा। ये कैसी सजा है, सजा है या मजा है, ये मजा एक नशा है, नशे में डूबा समा है। जहाँ जहाँ देखूं मैं वहाँ वहाँ पाऊं मैं, क्या जमीन आसमां क्या यहाँ वहाँ सारा जहाँ। देखा तेरा ही जलवा, वो तेरी अंगड़ाइयाँ, तेरी नादानियाँ, क्या कहने। वो तेरी अदाएं ये मेरी खताएं, वो अपनी मजबूरियाँ। भाई ये नाचना गाना ये मुस्कुराना, नहीं 2000 की नोट चमकती नहीं, वैसा चमक रहे भाई, क्या बात है। अरे जिस वक्त उसी तरह मेरे दिल में भी खलबली मची है रे। मतलब जनाब को इश्क हो गया रे। क्या? अरे जिंदगी में डूबा इश्क में उभरा, अबा जिस दिल को नादान समझा वो तो होशियार निकला। वाह क्या बात है भाई। भाई पहले ये बताओ उस लड़की की कोई बहन या सहेली है, मुझसे भी मिलाओ भाई, मेरा दिल भी बहुत दिनों से मचलने को दिल कर रहा भाई। अबे साले तू मेरे दिल के बारे में पूछने के बजाय तू अपना दिल मचलने की बात कर रहा। दिल तेरा यूं ही धड़कते रहे, मचले ना कभी, गम के दरिया में तू डूबे
मगर उभरे ना कभी, है उभर ना ही मुकद्दर में तो उभरे तेरी लाश, तू रहे लहरों पे साहिल देखे ना कभी। वाह क्या बात है भाई, क्या आप अपनी ड्यूटी मत छोड़िए, आप जैसे ईमानदार ऑफिसरों का इस जमाने में सख्त जरूरत है। या अल्लाह कब सुधरेगी ये लड़की, कौन करेगा अब इससे शादी। क्या है ये, पुलिस होके गाड़ी बीच में रोके, क्या है कि मेरे को भी नहीं मालूम। सोचना क्या है, वर्दी तो पहन ली, साथ में प्यार भी जता दे। जल्दी अपना हफ्ता निकालो, हम लोग क्या समझे, हम लोग नहीं आएंगे, हम लोग तो छुट्टी पे गए थे। क्यों रे? हाँ छुट्टी में थे, छुट्टी में ही रहना था, अब तुम्हारी छुट्टी छोने वाली है, जरा उधर तो देखो। इससे पहले कि मैं कुछ बोलूं, तुम लोग बिना कुछ बोले यहाँ से रफू चक्कर हो जाओ, क्योंकि मैं किसी और के चक्कर में पड़ी हूँ। इतनी जल्दी हमारे मार को। उसी मार की वजह से ही ना, हाय मैं मर गई और तुम लोग जिंदा हो, नहीं तो तेरे अंदर इतने छेद करूंगी कि तू कंफ्यूज हो जाएगा कि तेरे अंदर कितने छेद हैं। हाँ भाई हाँ, ये लेडी दबंग हो गई। जब तक तेरे अंदर छेद ना करूं, शायद तू यकीन नहीं करेगा।
साले, तू तो कह रहा था उन्हें इस्तीफा देने वाली थी। भाई खबर पक्की थी। अगर खबर पक्की थी तो उन्हें कैसे आई रे? मालूम नहीं भाई, लगता है उसको सर्जिकल स्ट्राइक के बारे में मालूम था, इसलिए उन्हें अपने ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक कर दी। चुप! मामला कुछ गड़बड़ सा दिख रहा भाई, उसके तेवर उसके अंदाज कुछ बदले बदले से दिख रहे मेरे को। हाँ रे, हम लोग उसके ऊपर जानलेवा हमला करे फिर भी उसने हमको छोड़ दी। अगर वो चाहती तो वो हम सब पे गोलियां बरसा सकती थी, मगर नहीं बरसाई। जरूर मामला कुछ तो गड़बड़ है। ये देखिए। वाह कितनी खूबसूरत है, देखिए ना। माशाल्लाह बहुत अच्छी है। कौन है लड़की? जिनका नाम आयशा है, इनके माँ का नाम शबनम है, इनके वालिद नहीं है। ये बहुत अच्छे खानदान से ताल्लुक रखती है। देर किस बात की, आप रिश्ता आगे बढ़ाइए। मगर एक बात है जी। क्या बात है? अम्मी फिर शुरू हो गया क्या? मोइन जी अब किस रिश्ते के पैगाम लाए? ये देखो बेटा। इस रिश्ते को पक्का कीजिए। अरे ठहरो, इस लड़की के बारे में कुछ बता रहे थे। अरे अम्मी मुझे मालूम है, वो पुलिस इंस्पेक्टर है। क्या क्या मोइन जी, मेरा बेटा सही कह रहा है? जी मैं वही बताने वाला था, वो एक पुलिस इंस्पेक्टर है, इसलिए आज तक कोई लड़के इनको पसंद नहीं करे। और एक बात, इनकी शादी होते होते रुक गई। पुलिस वाली होने के नाते ये बहुत सख्त है। शायद आप उसके सख्त मिजाज को जानते हैं, मगर मैं उसका नरम मिजाज भी देखा हूं और मुझे वो पसंद है। मतलब लव एट फर्स्ट साइट। आप इस रिश्ते को पक्का कीजिए। फिर आपका क्या ख्याल है? लव एट फर्स्ट साइट है, अब हम क्या कर सकते हैं? आप रिश्ता आगे बढ़ाइए, क्या बोलते बेगम? जैसे आपकी मर्जी। दूर जो मुझसे रहते हुए भी मेरी हमदम लगती है, उसके रुख रोशन के आगे चांदनी मध्यम लगती है। देखो हमारे जुबाए उल्फत आज कुछ काम तो आया है, जान हाजिर है जिसके खाती है, उसका सलाम तो आया है। आलम में तुझसे है कशिश, तेरे सिवा कुछ भी नहीं। मेरा वजूद तुझसे है, तेरे बिना कुछ भी नहीं। आखिर निभाना ही पड़ेगा दिल को वफाओं का उसूल, तुझ पे लुटा दूं जान भी। कर ले सलाम मेरा कबूल। क्या आप सही बोल रहे मोइन जी? हाँ हाँ अच्छा ठीक है, मैं फिर बात करती हूँ आपसे। आशा सुन, एक बहुत अच्छा रिश्ता आया, लड़का MBA है, NRI रिटर्न है और तेरी नौकरी से उसे कोई एतराज नहीं है, इससे अच्छा रिश्ता अपने को मिल ही नहीं सकता। अम्मी मेरे को शादी वादी नहीं करना है। क्यों बेटे, क्या हुआ? देख बेटे जो हुआ उसे भूल जा। नहीं मैं भूल नहीं सकती, और आप ये शादी वादी का ख्याल छोड़ दीजिए, मैं जा रही हूँ। अरे आयश सुन, या अल्लाह क्या करूं इस लड़की का। क्या हो रहा है यहाँ पे? अरे आंटी, आंटी क्या हुआ कि अचानक चलते चलते गिर गए? आंटी अरे कोई पानी तो लाओ। अरे थोड़ा पानी लाओ रे। हेलो मैडम। आंटी उठिए, आंटी जी देखिए देखिए, उठिए उठिए। अरे खाला को हाथ लगाओ रे, उठो उठो जल्दी उठो। अम्मी क्या हुआ, अम्मी क्या हुआ? चलते चलते बेहोश हो गए थे, अच्छा हुआ मैं उधर से गुजर रही थी। मगर तुम? जी मैं आपसे मुलाकात होते होते बच गया और भाई फंस गए थे। खैर मैं अम्मी का मुंह बोला बेटा हूँ, मुनीर। बहुत बहुत शुक्रिया बेटा,
आज अगर वक्त पर तुम नहीं आती तो कुछ नहीं होता। आप पहले आराम करिए। कहाँ गए नो? अम्मी की परवाह नहीं करे? तरकारी के औसैसी बाहर भेज देते, जरी भी शर्म नहीं आती इनको। हुँ? आने दो। अरे उसको प्यार मोहब्बत से फुर्सत मिली तब ना। क्या क्या? हाँ माँ, भाई किसी पुट्टी के साथ आशी क्या कर रहा, उसी के साथ गुलछर्रे उड़ा रहा, और अभी भी शायद उसी के साथ ही लगा हुआ होगा। या है तो उसके ख्यालों में रहता है, या नहीं तो उसके साथ रहता है। अरे उसको मैं पहले से ही बोल के रखी थी, अगर तेरे को कोई लड़की पसंद है तो मेरे को आके बोल, उससे शादी कराती हूँ बोल के। दोस्तों को बोलने आया, अम्मा को बोलने नहीं आया उसको। आने उसको अभी। क्या करते आए तो? क्या करती हूँ बाबा, आए तो पसंद की लड़की से शादी कराती हूँ। अच्छा हुआ बेटा तुम आ गई बोल के, नहीं तो ये कमीना राज खोलते ही नहीं था कभी भी। तुम आ गई, राज खुल गया अभी। अब्बा आज मैं बहुत खुश हूँ, बस उसकी शादी कर दूँ, तुम्हारे जैसी अच्छी बहू मिल गई तो मेरी ख्वाहिश पूरी हो जाएंगी। इनके जैसी ही बहू मिलेंगी अम्मी आपको, आपका ख्याल रखने वाली और भाई को डांटने वाली। तेरे मुँह में घी शक्कर। आंटी जी मैं चलती हूँ, बहुत देर हो चुकी है। अच्छी बात है बेटा, शब्बो को मैं याद करी बोलना, उसको मेरा सलाम देना। जी आंटी। फोन पे बोल दो ना। अरे तू चुप बैठ, हर बात में बीच में आते रहता बस। आंटी का ख्याल रखना। आप फिकर ना करो। मुनीर कितनी अच्छी बच्ची है रे, किसके घर की बहू बनती की क्या नहीं की। अम्मी आप सुबह कोई रिश्ते के बारे में बोल रहे थे ना, उसको फिक्स कर दो। या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, लाख लाख शुक्र है। रो रहा रे, वो थोड़ी चक्कर आ गई थी बस उतना ही। मिट्टा नको का बोलतो, खूब खाते, सुनते ही नहीं मेरी बात। शुक्र करो आयशा जी का, अम्मा को घर तक उन्हें चलाई और तुम डांट कर चले गई। मेरे को काई को? काई को क्या रखते तुम, अम्मा का मेरा क्या? जब से तुमको इश्क हो गया अम्मा को मेरे को भूल ही गए, और ये बात मैं आयशा जी को बता दिया। हुँ? वो तुम्हारे खूब डांट के चले गई। तेरी तो? अरे तू चुप बैठ जरा। शेरू तू बोल कौन है रे वो लड़की? अम्मा ऐसी बात ही नहीं है, मैं कोई फालतू बात नहीं सुनना चाह रही हूँ। वो लड़की कौन है बोल, उसके घर वालों से बात करके आएंगे अपन। हाँ माँ। तू चुप रह, इतनी भी जल्दी क्या है? हाँ रे तेरे को जल्दी नहीं है, जल्दी मेरे को ही है, देख रहा ना मेरी हालत। अरे बता दो यारो, इतनी दूर आके कहीं को पीछे हट रही। अम्मा तुम सुनेंगे तो पता नहीं कैसे रिएक्ट करेंगी। अरे पागल मैं तो पहले से ही बहुत खुश हूँ, अगर तू कोई दुश्मन की लड़की से भी शादी करने तैयार हुएगा ना तो भी मेरे को मंजूर है। अरे अम्मा से क्या छुपाना बेटा, बोल ना। अम्मा तुम्हारे खुशी के खातिर बता तू, वो लड़की है। शब्बो एक मिनट बेटा। हेलो शब्बो बोल रहे, कैसा फोन करना हुआ? तेरे को एक खुशखबरी सुनाना है, आयशा की शादी तय हो गई। सच्ची? हाँ लड़का MBA है, NRI रिटर्न है, आयशा को कहीं देखा और उसी वक्त उसे पसंद कर लिया। वाह 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 बहुत अच्छी बात है ये तो। हाँ बस उसकी शादी हो जाना, देख इंशाल्लाह जरूर हो जाएगी। अरे शब्बू मैं भी तेरे को एक खुशखबरी देना है रे, मेरा बेटा भी कोई लड़की से प्यार करने लग गया। करते क्या? अब लड़की वालों के घर को जाके शादी की बात तय करना बाकी है। अरे जरूर हो जाएगी। अच्छा ठीक है चल मैं तेरे को बाद में फोन करती हूँ, ये शेरू की खुशखबरी भी आयशा को पहले सुनाती हूँ। ठीक है ठीक है, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। आयशा शेरू की शादी भी तय हो गई। कहते तो मैं क्या करूँ, मिठाई बांटूँ? या अल्लाह
इस कुशेरों पे गुस्सा अभी तक उतरा नहीं। शेरू तो सुना बेटा, आयशा की शादी तय हो गई कते। क्या? अरे अल्लाह मैं बहुत खुश हूँ बेटा। अरे लड़का एमबी है कते, अमेरिका से आया कते। अच्छा हुआ तेर से शादी नहीं हुई उसकी, नहीं तो बेचारी बच्ची को बोलते रहना पड़ता था मैं ऑटो वाले की जोरू हूँ, मेरा मर्द चोर है बोल के। अब देख इतना अच्छा रिश्ता आया उसको, आयशा को देखते ही पसंद कर लिया कते। वो बच्ची है इचवैसी और एक तू है, शादी तक जाके वापस आ गया। उन्हें तेरी किस्मत में नहीं है। तुम सही बोल रहे, वो मेरी किस्मत में नहीं है। अब जान दे वो किस्सा बाजू छोड़, तू लड़की के बारे में बोल रहा था ना, कौन है रे वो? अब क्या फर्क पड़ता है अम्मा, पहले आयशा की शादी हो जान दो, बाद में मैं कर ले तू। अरे पागल हो गया क्या, आयशा की शादी से इसको क्या ताल्लुक है रे, वो लड़की के बारे में बोल। अम्मा बात को समझा करो, वो दोनों कितना काम करेंगे, अपन भी जाके उनकी मदद करेंगे। आखिर वो तुम्हारे बचपन की सहेली है ना। कितना बदल गया है मेरा बेटा। अरे क्या हुआ मैडम को? क्या हुआ कि? क्या है कि? क्या हुआ मैडम, बहुत उदास दिख रहे। कुछ नहीं, एक बात पूछो हिना। हाँ पूछिए। क्या तुम्हारी शादी तुम्हारी मर्जी से हुई? हाँ मेरी तो लव मैरिज थी ना। क्या किस्मत वाली हो, तुम्हारा प्यार घर वालों ने भी एक्सेप्ट कर लिया। क्या हुआ मैडम जी, कहीं आप भी किसी से प्यार करती क्या? नहीं तो बस मैं यूं ही पूछ रही थी, बिकॉज ऑल लव स्टोरीज डज नॉट हैव एनी हैप्पी एंडिंग। हाँ ये तो है, दिल से प्यार करना और उस प्यार को पाना एक अलग ही बात होती है। आप नहीं समझोगी मैडम। बस यार रुको। अम्मी इधर कहीं को आए? शादी का पहला रुखा तब्बू को देने के वास्ते। मैं नहीं आती हूँ, आप जाओ। शादी तेरी है या मेरी, चल उतर। तब्बू अपने को देख के खुश हो जाती देख। भाग रे होले भाग। अरे मुनीर। अरे मर गया। हाँ मी। कोई तो भी खटका मार रहे, देख कौन आएगी। देख रहा हूँ माँ। सलाम अलैकुम। अरे वालेकुम सलाम, आइए आइए आइए। कौन है रे मुनीर? देखे तो होश उठ जाएंगे अम्मा। आइए 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 अंदर आइए। शबू आंटी। अरे आंटी आ रही। अब कैसी है आपकी तबीयत? अब मैं ठीक हूँ बेटा। अरे क्या सूरत देख रहा मुनीर, कुर्सी डाल लीजिए। बैठिए बैठिए बैठिए, मैं कुछ खाने का बंदोबस्त करके आता हूँ। क्या रे शबू, इतने दिनों के बाद तेरे को मेरी याद आई। कामों से फुर्सत कहाँ मिलता। आयशा की शादी अगले महीने के 5 तारीख को तय हुई। सही। जुग जुग जियो बेटे, अल्लाह तुम्हारा घर आबाद रखे, सारी दुनिया की खुशी तुमको मिले। 4 तारीख का भी दिन था, लेकिन वो दिन अपने को मनुष्य निकलाना, इसलिए 5 तारीख को तय कर दी। बहुत अच्छा करे देखो। अच्छा तब्बू, शादी का पहला रुखा तेर को दे रही हूँ, कैसा भी आना देख। आयशा की शादी के लिए मेरे को रुखे की जरूरत है क्या? तू नहीं भी बुलाती तो भी मैं आ जाती। तू बिल्कुल नहीं सुधरेगी। अच्छा तब्बू हम लोग अब चलते, बहुत जगह अभी रुखे बांटना बाकी है। सही बात है, अपना ख्याल रख। जरूर। आयशा चलो। क्या सोच रही, पहले तो आने का नाम ही नहीं ले रही थी, अब जाने का नाम नहीं ले रही। आयशा अरे यहीं रह जाने का इरादा है क्या? फिर चल। आंटी मैं चलूं? अपना ख्याल रखना बेटा। जी ठीक है तब्बू, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। चल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अरे शेरू आगे बेटा, देख आयशा अपनी शादी का रुखा देने आई, अगले महीने 5 तारीख को उसकी शादी तय हो गई कते। मुबारक हो। जी शुक्रिया। देखे बेटे तुम्हारी डांट का असर, खुद सब्जी लेके आ देखो। आंटी का ऐसे ख्याल रखना। जी अच्छा। अरे आयशा मैं तो बोलने भूल गई,
तुम्हारी शादी का हर काम शेरू करूंगा बल्कि वादा करा। अब तुम्हारी शादी का काम पूरा इसको सौंप दो तुम। जी चलती हूँ। जी अलविदा। अलविदा। ये
माशाल्लाह कितना खूबसूरत लग रहा है मेरा बेटा। मुबारक हो बेटे। शुक्रिया भी। अरे रे, चलो चलो दूसरे काम भी है, चलो ना। चलो बेगम। अंकल अंकल, दुल्हन के सहेलियां बुला रहे। चलो 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 जल्दी चलो। रुको रे, तुम लोगों को नहीं मेरे को बुला रहे होंगे। चलो मैडम, वक्त हो रहा। अरे अब किसका फोन है? चलो मैडम। हेलो। ए सब इंस्पेक्टर, मैं बिरला बोल रहा हूँ। क्या रे, बोल। तूने तो हमें छोड़ दिया, मालूम नहीं क्यों, मगर हम वो गलती नहीं करेंगे। मतलब? अरे तू इतनी जल्दी भूल गई? मैंने कहा था ना तुझसे, मैं इस जन्म में तो तेरी शादी होने नहीं दूंगा। और तू शादी का जोड़ा पहन के कूद रही। मैंने तेरे दूल्हे को उड़न छू कर दिया हूँ। अब तेरे को जो करना है कर ले, मगर इस बार मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, ताकि इस दुनिया में तेरे से कोई भी शादी ना कर सके। समझ गई ना तू? मारो साले को। क्या हुआ मैडम? उस बिरला ने दूल्हे को फिर से किडनैप किया। किडनैप? और इस बार उसको मारना चाहता है, ताकि कोई मुझसे शादी ना कर सके। हाय अल्लाह, अब क्या होगा मैडम? ये कैसे हो सकता है? क्या हुआ? आप ठीक तो है ना? क्यों, क्या हुआ? तो किसको किडनैप किया होगा? किडनैप? हाँ, वो बिरला है ना गुंडा, उसने मैडम जी को कॉल करके बोला कि उसने दूल्हे को किडनैप कर लिया है। अरे दूल्हा तो आपके सामने है। उसने शेरू को किडनैप किया होगा। सिर्फ शेरू ही जानता है मेरी शादी रोकने के लिए बिरला क्या करने वाला है। अब शेरू की जान खतरे में है। Come on यार, कौन कहां जाए, अपने को क्या लेना देना। नहीं, मेरे को जाना है, शेरू की जान खतरे में है। अरे रुको। अरे तू कहीं को दूल्हा बन के फिर रहा रे? तेरे को हौला बनाने के वास्ते रे। मेरे को हौला बना के तेरे को क्या मिलता रे? हौले सुकून मिलता रे, दिल को तसल्ली मिलती। कई को बोले तो अब तक आयशा की शादी हो चुकी होती और मेरा मकसद पूरा होता। तू तो उसका दुश्मन है ना रे, फिर खाली पीली कई को रिक्शा लेके दूल्हा बन के फिर रहा। दरअसल मेरा मकसद उसको मारने का था, खाली पीली मर जाता था ना रे। मत पूछ मेरे सबर की इंतहा कहाँ तक है, तू कर ले सितम तेरी जहाँ तक है। मेरे प्यार की जीत होगी या ना होगी, अब मैं भी देखूंगा तू जालिम कहां तक है। बना बना के दुनिया मिटाई जाती है, जरूर कोई कमी है जो तुझ में पाई जाती है। जब उनकी महफिल में हम अजनबी आ जाते हैं, उसी दम एक शम्मा जलाई जाती है। शम्मा जला के बुझा भी देते हैं वो, धुओं के सिमतों की उगली उठाई जाती है। आने वालों को धुआं दिखाया करते हैं और कहते हैं आशिकों की यही हालत बनाई जाती है। मतलब तू उससे प्यार करता है? हो। अरे बेखूफ, कुछ ही पलों में उसकी शादी होने वाली है और तू है कि उसके प्यार के बातें कर रहा। अरे तेरे जैसा आशिक मैं दुनिया में कहीं नहीं देखा और देखेगा भी नहीं। ये तो वो जज्बा है जो उम्र भर प्यार के एहसास को ताजा रखता है, भले ही वो किसी के साथ रुखसत हो जाए, मगर उसका प्यार मेरे साथ हमेशा रहता है। जो महबूबा की खुशी के लिए परवाह रखता है, वही वही सच्चा आशिक कहलाता है। समझा? और कुछ बोलूं? शर्म नहीं आती? प्यार मेरे से करते और बोलते इसको? मैंने सोचा अब तक तुम्हारी शादी हो चुकी होगी। अबा, मेरे से प्यार करके मेरी शादी का इंतजार करते? कैसा प्यार है ये? हाँ हाँ, मेरा प्यार यही है, तुम्हारा क्या है? मेरा क्या मालूम? तुमको नहीं मालूम मेरा प्यार क्या है? तुम्हारे दिल से पूछ लो। अरे मेरे दिल से क्या पूछना, तुम खुद बोल सकती ना? अरे नहीं बोल सकती तो फिर शादी के लिए हाँ कहीं को बोले? तुम्हारी वजह से। क्या
मेरी वजह से? हाँ, मुनीर ने कहा तुम किसी पोटी से प्यार करते हो और उसी के साथ कुलछर्रे उड़ा रहे। मेरे को नहीं मालूम था वो पोटी मैं छू बोल के। साले मुनीर। और अब तुम्हारे प्यार के बारे में मालूम हुआ, तुम मुझसे प्यार करते ना तो मेरे को बोलो। ये टकले को काई को बोल रहे, बोलो। तुम तो बोल सकती ना। मैं कैसा बोलूं? अरे तुम तो पुलिस वाली हो, इतना मारती हो, इतना चीखती हो, इतना चिल्लाती हो, इतनी छोटी बात नहीं बोल सकती क्या? प्यार के मामले में सब लड़कियां एक जैसे छोटी। पॉकेट मारने के वास्ते ये टकले से पंगा ले सकते, मगर प्यार की बात नहीं बोल सकते। तुम नहीं बोल सकती क्या? तुम नहीं बोल सकते? तुम नहीं बोल सकते क्या? तुम बोल सकते ना? तुम भी बोल सकते ना? अरे तुम बोल सकते ना? तुम नहीं बोल सकते। तुम्हारी लव स्टोरी। मैं कैसे बोलूं? शायद तुम्हें मैं पसंद ना हो और ऊपर से अम्मा की कसम भी थी। हाँ ये बात भी है, तो भी तुम बोल सकते। अरे तुम बोल सकते ना? अरे बोल सकते। कसम विसम छोड़ो, एक दूसरे को आई लव यू बोल दो। जी अम्मी, वो अब तुम्हारा क्या हाल है बाबू? मेरा मेरा कुछ भी नहीं है। लो शबू तब्बू। नहीं बोल रहे लोग। अच्छा ठीक है, दूल्हे मियां भी तैयार है सेहरे के साथ। नहीं नहीं नहीं। I love you. I love you too, madam. तुम्हारे को क्या बाबू, रुखा देके बुलाना, दावत देके। आ इधर अब। जी मार। हेलो अम्मी कने आ सीधा। अब्दुल हैदराबाद के पास जाते। मेरे को डर लग रहा है अम्मा। अरे अरे छू मेरा हाथ। तुम आओ जी अम्मा। अम्मा तुम मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। मेरे को डर लग रहा है अम्मा। तुम मेरे साथ रहो ना। मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। अम्मा 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 दरवाजा खुला रखो अम्मा अम्मा अम्मा। पर वाले तू ही मुझे बचा। जिंदगी में पहली स्वागत है मैडम, मेरे को एनकाउंटर मत करो, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। अजी मैं आपको काई को मारूंगी। सच्ची में? आप पहले उठो, उठिए उठिए। तो फिर ये क्या है, तुम स्वागत मनाने ऐसा नहीं दिख रहा मेरे को, ड्यूटी पे ऐसा दिख रहा मेरे को। आप बोलते ना मेरे पे वर्दी अच्छी दिखती बोल के, इस वास्ते यही पहन के आई। हाँ बोला था मगर यहाँ पर नहीं, सिर्फ ड्यूटी पर। ऐसा तो क्या करूं,
चेंज करके आऊं? अब चेंज करने की जरूरत नहीं है, अब ऐसे ही बनाएंगे। वो तो ठीक है, अब इसको क्या करेंगे? आपकी मर्जी। हाँ इधर लो, मैं इसको संभाल के रखती हूँ। हैंड्स अप। अरे गोली चल जाएंगी। नहीं। अरे अरे अम्मा। तू परेशान न को रे, आयशा है ना, देख लेती, उसके लिए तो ये सब आम खास है। तू छोड़, अपने कुछ बात करेंगे, तू परेशान मत हो, देख लेती ना सही भी। अरे सब लोग हनीमून मनाने स्विट्जरलैंड जाएंगे बोल रहे, तुम क्या की गंडी पेट जाएंगे बोल रहे? अपने शहर में हनीमून मनाने का मजा ही कुछ और है। अरे ये लोग कहीं के बीच में आ रहे? छोड़, अरे आ रहा हूँ, थोड़ा ना अंधेर, अरे छोड़, अरे छोड़ छोड़, बख्शीश बिख्शीश कुछ भी नहीं। अच्छा नहीं देता तो हमारे सरदार को बुलाना ही पड़ेगा। सरदार देखो सरदार, शादी की बख्शीश नहीं दे रहे। अरे चिकनी, अब ताबी लेने नहीं दी, अब शादी की बख्शीश भी नहीं देती क्या? बख्शीश दे दे, चला ला निकाल निकाल। अजी दे दो ना। दे तुम, दे तुम। नहीं तो मैं निकाल लूं। अरे बुजुर्ग लोग सही बोले, हजार झूठ बोल के एक शादी करो बोले, तू क्या करा? होते हुए शादी को रोक दिया, इसलिए ऊपर वाले ने तेरे को शादी के काबिल ही नहीं रखा। बख्शीश कहते भले ही बिरला बैगन में मिल जाए, मगर पैसे वसूल करना नहीं छोड़ता, मेरा मतलब नहीं छोड़ती। और हमारे बच्चे को भी आके अच्छा नाचना, समझे? नाचेंगे नाचेंगे, पहले तुम लोग कैसे बताओ? बोलने में भी शर्म आ रही है। चल चल, घंटी पे तो देर हो रही, चप्पल पकड़ लेके बैठो, नहीं तो दूल्हा गिरा दिया बोलते। बाय, फिर मिलेंगे पार्ट टू में। घंटी पे आए तक कोई गाना तो लगाइए। जरूर लगा तू बेगम, सुनो। मौला ये तेरी अता सारी, ये जिंदगानी शुक्र, मैं तेरा अदा क्या करूं, वो तेरी इनायतें तेरी, नवाजिश तेरी, ये मेहरबानी मैं कैसे भूलूं। मौला ये तेरी अता सारी, ये जिंदगानी शुक्र, मैं तेरा अदा क्या करूं, वो तेरी इनायतें तेरी, नवाजिश तेरी, ये मेहरबानी है। उसकी अदा से दिल शाद किया, दुनिया मेरी आबाद किया, है यही रब से मेरी गुजारिश, रहे यूं ही ये साथ सदा। ये कैसी सजा है या मजा है, ये मजा एक नशा है, नशे में डूबा समा है, जहाँ जहाँ देखूं मैं वहाँ वहाँ पाऊं मैं, क्या जमीन आसमां क्या यहाँ वहाँ सारा जहाँ, देखा तेरा ही जलवा, वो तेरी अंगड़ाइयाँ, तेरी नादानियाँ, क्या कहने वो तेरी अदाएं, ये मेरी खताएं, वो अपनी मजबूरियाँ हैं। जाने क्या कर दूं, हर सितम में जी
बेटा सारी ये जिंदगानी शुक्र मैं तेरा अदा क्या करूं वो तेरी इनायतें तेरी नवाजिशें तेरी